ये देखिए बच्चों, नाइन्थ वाले फैक्टर लेसन, जो सेकंड लेसन फैक्टर का है, वो मैंने कहा था पूरा रिवीजन करके क्वेश्चन जो नहीं आ रहे वो आप हमको भेज दें। 9 AM, 9 AM टू 1 PM इस समय अंतराल में मोबाइल नंबर 8765222000 पर आपको जो क्वेश्चन आए वो 9 AM टू 1 PM यानी सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप इस नंबर पे अपने क्वेश्चन डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे करके और वीडियो बना के आपको भेज दिया जाएगा। और एक बात बच्चों, फीस के लिए पेरेंट्स से कह दीजिए, मम्मी पापा से अपनी फीस जमा करवाइए टीचरों का, ताकि पेमेंट हो सके। हम लोगों का 5-5 महीने का पेमेंट रुका हुआ है। यदि आप लोग एक एक महीने की फीस जमा करवा देंगे तब भी हम लोगों का कुछ ना कुछ पेमेंट हो जाएगा। इसलिए सब लोग अपने अपने घर में बोल दीजिए जिसकी जो बकाया फीस हो, यदि ज़्यादा बकाया है तो थोड़ी थोड़ी करके किस्तों में जमा करवा सकते हैं, और जिनकी पूरी जमा है तो वो आगे की फीस जमा करवाएं। आइए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया x2, अब इसमें x से दोनों में गुणा करा दें, ax प्लस का 1/a × x, x का दोनों में गुणा करा दिया। जब आगे माइनस है तो ये चिन्ह के प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे से माइनस का गुणा, पीछे से x का गुणा, माइनस से गुणा कराएंगे, माइनस ए एक्स, माइनस प्लस माइनस 1/ax प्लस का 1। अब देखिए इसमें a है, इसमें a का ऊपर नीचे हम गुणा करा दें, a का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं कामन बनाने के लिए। इसमें बटे में a है, इसमें नहीं है, तो मैंने a का ऊपर नीचे गुणा करा दिया। अब क्या आएगा, x कामन कर लें, ये आएगा x माइनस a, और यहाँ से क्या होगा, 1/a कामन हो सकता है, तो x अब माइनस कामन लिया तो ये प्लस क्या बन गया, ये प्लस माइनस बन जाएगा। 1/a कामन क्या बचेगा, a, अब ये री कामन हो गया, क्या x माइनस a और x माइनस 1/a, ये क्या आया आंसर। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, x² माइनस का a/b प्लस b/a x प्लस 1 x² पीछे से x का गुणा, आगे से माइनस का गुणा, माइनस का गुणा होगा क्या आएगा, a/b पीछे से x का गुणा, ये माइनस ये प्लस, माइनस b/a x का गुणा प्लस का 1। अब देखिए इसके बटे में क्या है, b है, इसके बटे में a है। यदि यहां से x कामन करेंगे, तो बचेगा क्या, x माइनस a/b, ये बचेगा, x कामन लेंगे तो यहाँ x बचेगा a/b माइनस, यहां से क्या कामन ले कि x माइनस a/b बचे, ये आपको दिमाग लगाना है। तो यहां से x को अकेला करना है, इसका मतलब b/a कामन होगा और a/b बचना भी चाहिए, इस
इसका मतलब इसमें मुझे ए बी का ऊपर नीचे गुणा कराना होगा, और जब बी अपान ए कामन लेंगे तो ये एक्स बचेगा, माइनस कामन है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और क्या कामन हुआ बी अपान ए कामन, ये बी और ये क्या बचा ए अपान बी बचा, और यहां से फिर री कामन करेंगे x माइनस ए अपान बी, इधर से फिर क्या बचा x माइनस बी अपान ए, ये आ गया, ये आंसर हो गया बेटा। और सुनिए, जैसे ही स्कूल खुलेगा तुरंत आपके एग्जाम होंगे, क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम, क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों एग्जाम होंगे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, जैसे क्वार्टरली हुआ तो फिर उसके 15 दिन बाद हाफ ईयरली चालू, क्योंकि टाइम काफ़ी निकल चुका है, और ये जितने ग्रुप पे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं सब इन्हीं से ढूंढ ढूंढ के ग्रुप से क्वेश्चनों को पेपर बनाया जाएगा, तब आप कहेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए रोज का रोज काम करें और सीरियल से फैक्टर लेसन पूरा कंप्लीट करो। अब मान लिया ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, आप अपनी कोई एक बुक जो भी आपके पास है, अब जिस HM है, NCERT है, मनोहर रे है, जो आपके पास बुक हो फैक्टर वाला लेसन को ढूंढ लो कौन सा है, और पहली एक्सरसाइज से आखिरी एक्सरसाइज तक सारे क्वेश्चन लगाओ। जो ना आए 9 बजे से 1 बजे के बीच इस नंबर पे फोन करके बताएं, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको तुरंत वो क्वेश्चन बोर्ड पे करके वीडियो बना के भेजूंगा, ठीक है? फिर अब चलते हैं, मिलेंगे फिर मंडे को।